अरे जैकेट तो उतारना यार, वीडियो में ग्लैमर नहीं होगा तो वीडियो चलेगी कैसे? श्योर सर। स्वेटर? अरे हम क्या मनाली में सूट कर रहे हैं, यहाँ बर्फ पड़ रही है, उतार दे इसे भी। जी सर। अच्छा सही है, दीपक ने बोला था ना इस पगड़ी पहनने के लिए। जी सर। तो उतारो इसे भी, ये क्यों पहन रखा है? एक मिनट सर, हम एक काम करते हैं ना, हम लड़की की पैंट भी उतरवा देते हैं और नीचे शॉर्ट्स पहना देते हैं। सही कह रहा है, नीचे शॉर्ट्स ऊपर स्पैगेटी। तुम उतार लोगी ना? हाँ सर, इसमें क्या है, उतार देती हूँ। तो उतारो इसे भी। एक मिनट, ये तो अपनी वीडियो बनाने के लिए तुमसे कपड़े उतरवाए जा रहे हैं और तुम उतारे जा रही हो। क्या हो गया तुझे, तुझे क्या प्रॉब्लम है? सर आप ही बताओ, क्या जरूरत है इस लड़की को इस सीन में कपड़े उतारने की? वो ये सीन जैकेट में करे या स्वेटर में, क्या फर्क पड़ता है? अरे डायरेक्टर तू है या मैं हूँ? सर डायरेक्टर तो आप ही हो। तो फिर तेरे को यहाँ एक्टिंग के लिए बुलाया है, एक्टिंग कर और निकल। और वैसे भी 50 से ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ, हर वीडियो पे मिलियन व्यू आते हैं, मुझे बता रहा है। सर मुझे मत समझाओ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कैसे आते हैं आपके मिलियन व्यूज। ऐसे लड़कियों के कपड़े उतरवाओगे तो मिलियन व्यूज तो आएंगे ही। सर अगर दम है तो अच्छी वीडियो बनाओ, अच्छी स्क्रिप्ट लेके आओ, अच्छा कंटेंट बनाओ। तो तेरे पास है अच्छा कंटेंट? सर मेरे पास अच्छा दिमाग है और मुझे ये पता है कि मुझे किस वीडियो में काम करना है और किस वीडियो में नहीं करना। अरे यार ये तो अपनी वीडियो बनाने के लिए नीचे गिरते जा रहे हैं, लेकिन तुम तो शर्म करो। अगर तुम लोग इनकी वीडियो में काम नहीं करोगे ना तो ये वीडियो बनाएंगे कैसे? इसलिए मैं इस वीडियो में काम नहीं कर सकता, अगर तुम्हें करना है तो तुम करो। सॉरी सर। अरे लेकिन चलो मान लेते हैं कि तुमने ये वीडियो कर ली और ये वीडियो कहीं अपलोड हो गई और गलती से वायरल हो गई और तुम्हारे किसी रिश्तेदार के पास ये वीडियो पहुंच जाती है और वो इस वीडियो का लिंक तुम्हारे पापा को भेज के ये बोले कि तुम्हारी बेटी तो वीडियो में कपड़े उतार रही है, तो तुम ही बताओ कि तुम्हारे पापा को क्या फील होगा? जो भी हम करते हैं ना, इसका असर बस हम पे नहीं पड़ता, हमारे परिवार पे भी पड़ता है, हमारे समाज पे भी पड़ता है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। थैंक यू सो मच मुझे सही रास्ते पे लाने के लिए। चलो चलते हैं, हमें नहीं करनी है वीडियो। रुको, मैंने भी डिसाइड किया है कि मैं भी आज से एक क्लीन वीडियो बनाऊंगा। क्या सच में? हाँ सच में, आई एम रियली सॉरी। तो बनाते हैं ना वीडियो जनहित के लिए, एजुकेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए भी। मुझे माफ कर दो और हम फिर से स्टार्ट करते हैं एक अच्छे तरीके से। कैमरा रेडी?